नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीप और आप सभी का दीप टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे आज हम बात करने वाले बैटल्स ग्राउंड मोबाइल इंडिया से रिलेटेड नई अपडेट के बारे में। दोस्तों देखिए, इंडिया में बैटल्स ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी पबजी को दोबारा से रिलीज कर दिया गया या रिलीज करने वाले, जिसमें दोस्तों यहाँ पे अभी आपको ईयरली एक्सेस मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप ईयरली एक्सेस किस तरह से ले सकते हैं। ईयरली एक्सेस लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने फेसबुक को ओपन करना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है बैटल्स ग्राउंड मोबाइल इंडिया ऑफिशियल पेज को। ऑफिशियल पेज को सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वहाँ पे एक पोस्ट दिखाई देगा जहाँ से आप ईयरली एक्सेस डाउनलोड कर सकते हैं। यार दोस्तों यहाँ पे आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ से भी ईयरली एक्सेस का एक लिंक आपको दिखाई देगा, वहाँ से भी आप ईयरली एक्सेस से गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यार दोस्तों आप इनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर भी आप ईयरली एक्सेस से बैटल्स ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी पबजी को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता है कि इंडिया में बैटल्स ग्राउंड मोबाइल इंडिया रिलीज होने से पहले ही बैन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस बन चुके हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता है कि जब आप इनके ऑफिशियल साइट पर जाकर बैटल्स ग्राउंड मोबाइल इंडिया का ईयरली एक्सेस लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये 713 MB की ईयरली एक्सेस या टेस्टिंग के लिए गेम प्रोवाइड की जा रही है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे आप इसके अंदर जो बग्स हैं, जो इनमें प्रॉब्लम है, आप उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को तो जब आप इस ईयरली एक्सेस के थ्रू डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने भी इसे डाउनलोड कर रखा और अभी तक मैंने इस पर 3 से 4 वीडियो बना दिए, जिसमें दोस्तों यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे मैं भी इस गेम को अभी यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप सभी को जब आप इस गेम को डाउनलोड कर लेते हो तो यहाँ पे आपको इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं या फिर अपने जीमेल के साथ इसे कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहले अगर आप 18 साल के हो चुके तो आप यस कर दीजिए, वरना नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर 2 पे हम बात करें तो यहाँ पे जो 1 साल पुराने वाला आपका डेटा है आप उसे आसानी से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जब आप वहाँ से अपना डेटा एक जीमेल से या फिर अपने फेसबुक से अकाउंट क्रिएट करते हो तो जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर्सनल डेटा वो आपका चीन के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा था, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे खुद बैटल्स ग्राउंड मोबाइल इंडिया क्रैप्टोन ने खुद जारी किया कि हमारा जो पर्सनल डेटा था, हम मानते हैं कि चीन के अंदर ट्रांसफर हो रहा था टेंसेंट सर्वर के द्वारा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब इसके अंदर कुछ सेटिंग्स कर दी गई है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे अब एक छोटा सा नया अपडेट आएगा आपकी बैटल्स ग्राउंड मोबाइल इंडिया के अंदर जो आपने ईयरली एक्सेस के द्वारा डाउनलोड कर रखे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन से पर्सनल डेटा वो चीन के अंदर ट्रांसफर नहीं करी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस बन चुके हैं कि बैटल्स ग्राउंड मोबाइल इंडिया में बैन हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह की कोई भी अपडेट आई तो हमारे YouTube चैनल पर आपको तुरंत ही मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में। ओके, बाय, टाटा।